करीब 8 माह पूर्व हुई 42 वर्षीय शख्स की मौत के मामले में परिवार के लोग न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। आजाद नगर थाना क्षेत्र के मामले में हुई किसान की मौत के बाद आजाद नगर पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा था, वहीं महिला आरोपी फरार है। दरअसल आजाद नगर थाना क्षेत्र के मूसाखेड़ी में रहने वाले 42 वर्षीय किसान संजय चौधरी के संपर्क में एक महिला और उसका भाई आया। परिजनों ने बताया कि दोनों भाई बहन का उनके घर आना जाना था, जहां संजय से आरोपियों ने करीब 20,000 रुपये उधार लिए। जब संजय ने पैसों की मांग की तो आरोपियों ने उसे घर बुलाया और फर्जी तरीके से जाल में फंसा कर संजय कुछ वीडियो बना लिए। संभवतः वीडियो के आधार पर आरोपियों ने संजय चौधरी से करीब 25 से 30 लाख रुपये ठग लिए और पैसों की मांग और ब्लैकमेलिंग करने पर 29 जुलाई 2020 को संजय ने कुछ जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मरने के पूर्व संजय चौधरी ने एक वीडियो भी बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि वह आरोपी घनश्याम चौधरी और उसकी बहन की ब्लैकमेलिंग का शिकार हुआ है। वह पैसों की मांग कर रहे थे और उसे बदनाम करने की धमकियां दे रहे थे। वीडियो में संजय ने जहर खाने की बात कहते हुए आरोपियों के नाम भी लिए और आत्महत्या कर ली। आजाद नगर थाना क्षेत्र की इस घटना को बीते करीब 8 माह से अधिक हो चुके हैं, पर घटनाक्रम के समय ही एक आरोपी पकड़ जाने के बाद अब तक फरार ब्लैकमेलिंग करने वाली महिला का पता नहीं है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मैं संजय चौधरी, मुझे ये घनश्याम सोनी और इसकी बहन और इसकी माँ शांत हो गई, उन्होंने तब परेशान कर दिया था मेरे को, झूठा आरोप लगा के पैसे लेने के बाद में मेरे ब्याज में 20,000 रुपये लिए थे देने की, मैं महीने के चक्कर में मेरे को इतना उलझा दिया उन्होंने कि तुम्हारी रिपोर्ट डाल देंगे। और ये नहीं, अमन नगर में रहता है, सुभाष पहलवान के खेत के आगे, ये छोरा इसने इतना परेशान कर दिया मेरे को कि मजबूर कर दिया मेरे को मरने के लिए। और इसका नंबर है 9826725452। ये है, इसने मेरे को बहुत परेशान कर दिया, जीतू का इसको छोड़ना मत पटवा दीजिए। तो उसने बहुत परेशान कर दिया मेरे को, पैसे मांग मांग मांग। मैं संजय चौधरी, मुझे घनश्याम सोनी और उसकी बहन और उसकी माँ जो शांत हो गई है, उन्होंने मुझे 2 महीने से इतना परेशान कर रखा है। मैंने इनको शुरू में 20,000 रुपये किसी के उसमें ब्याज में दे दिए थे, जिसके कारण मुझे पता चला कि इनका वो ढंग का नहीं है। ये क्या है, इनके यहाँ 17 आते थे, मैंने एक दो बार देख लिया। मैं 2 महीने से वो 2 साल से नहीं जा रहा था, मैंने 2 साल से इनकी शक्ल भी देखी थी। मुझे इतना परेशान कर दिया इन्होंने कि मरने मजबूर कर दिया। और इसका नंबर है घनश्याम का 9826 7। आके धमका देते, आके घर के वहाँ पर भी आके पूछते थे, नंबर नंबर मांगते थे। आरोपी आपके घर आते रहते थे? हाँ। किस तरह का व्यवहार था, आपसे कैसी बातचीत थी उनकी? वो बस सिर्फ नंबर मांगते थे जो आरोपी, और बस बोलते थे कि फ़ोन नंबर दीजिए, बस यही था। आप क्या करते हैं सर? मैं पढ़ाई करता हूँ। अभी किस तरह से केस में क्या अपडेट है आप, मतलब? अभी कोई अपडेट नहीं है, पुलिस वाले भी कुछ अपडेट नहीं दे रहे हैं, बस केस ऐसा ही चल रहा है। अच्छा, आरोपियों के बारे में कुछ जानकारी लगी अभी, महिला के बारे में भी? नहीं, वो तो फरार है, उसका कोई पता नहीं है। अब आप क्या करेंगे, किस तरह से इसको आगे लेंगे केस को? देखते हैं, आत्महत्या ही है अभी, आदमी पुलिस न्याय नहीं कर रही है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, मुख्यमंत्री जो हैं प्रदेश के, वो लगातार बोल रहे हैं कि अपराधियों पर बहुत पुलिस का गंभीरता से कार्रवाई कर रही है, आपका क्या कहना है इस मामले में जो आपके साथ हुआ? बिल्कुल कोई आगे केस में कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं, ढिलाई चल रही है पूरी केस। अच्छा, आपके केस में ढिलाई चल रही है? क्या घटना हुई आपके पति के साथ? आत्महत्या कर ली। कब की घटना होगी लगभग, ये कितने महीने पहले? 8 महीने हो गए। उसके बाद फिर क्या हुआ? क्या कुछ भी तो नहीं हुआ अभी तक, वो लेडीज भी नहीं पकड़ाई, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। सुनने में आया है कि कुछ ब्लैकमेलिंग का केस था, आपके पति को ब्लैकमेल किया जा रहा था? ब्लैकमेल कर रहे थे ना वो। किस तरह से, क्या हुआ था, थोड़ा बताइए आप उस दिन। पैसे मांग रहे थे वो, शाम को मांगे और सुबह तो उन्होंने आत्महत्या ही कर ली। आपको ऐसा कुछ लगा कि आपके पति को कुछ मानसिक तनाव है या कुछ परेशान? कभी रहते थे ऐसा, पर ऐसा महसूस ही नहीं किया, बाद में अब कर रही हूँ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। यूँ वैसे पूरी तरह से स्वस्थ थे वो, दिमाग से? हाँ, वो तो न्यूज थे पूरे, पर वो नहीं, बाद में भी मालूम पड़ा कि वो ऐसे। आपसे ऐसी कोई बात करते थे वो कि घर में? कुछ बात नहीं करते थे कभी।
क्या हुआ, किस तरह से ब्लैकमेलिंग है, क्या पता लगा आपको? पैसे के मामले में पता चला, वो शाम को भी आया और मैंने देखा तो वो चला गया, फिर उसने कुछ भी नहीं पूछा कि कौन है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद आपने फिर क्या कार्रवाई की इसमें न्याय के लिए? इसको किया थाने में, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। ये कौन लोग थे, महिला और पुरुष दो लोग थे, कौन लोग थे कुछ जानते हो आप उन्हें? क्या नाम है आपका? चंदा भाई। कहाँ रहते हैं? जी वकाली। क्या घटना हुई थी आपके साथ? क्या घटना हुई थी, बच्चा का डरा धमकाए खूब, मर जाएंगे और तुमको झूठा रिपोर्ट लिखा देंगे, तुमको झूठे फंसा देंगे, बस ऐसे करके मेरे बच्चा को जान ले लिया। कैसे जान गई आपके बच्चे? आपका उसने पैसा 27 लाख रुपये, 1 लाख रुपये सांझ लिया और गाली गुप्ता करी और फिर सुबह 27 लाख रुपये 11 बजे चाहिए। उन्होंने आत्महत्या कर ली? आत्महत्या कर ली। कहाँ की घटना है ये? ये वाकल होंगी। कहाँ? मूसाखेड़ी में आता है? मूसाखेड़ी में। आपके लड़के हैं? हाँ लड़का। क्या नाम था उनका? नाम संजय चौधरी। कहाँ क्या काम करते थे वो? खेती किसानी काम था हमारा। तो किन किस कारण से हुई, कौन है ये लोग? ये लोग कहीं मालूम, सोनी कहीं भी काम बयान भी करिया भैया उन्होंने। जानकारी लगी कि एक महिला और पुरुष है, दोनों लोग हैं? हाँ दोनों है, और उसकी माँ मर गई है। अच्छा। हाँ। ये कैसे जुड़े थे ये लोग आपके परिवार से? ये कहीं मालूम कहाँ से जुड़ी गया, ये 20,000 उन्होंने सब ब्याज से लिया था आपके लड़के से? हाँ 20,000 में उन्होंने सब फंसाया, घर बुले लिया और माँ 5-6 का बुले लिया और बस धमकी दी। फिर कभी धमकी दी जगह 2 महीना बाद फिर इतनी धमकी दी होगा कि हद से ज़्यादा। फिर 2 महीना बाद फिर उन्हें प्राण तजी दी, शाम को 1 लाख रुपये दिया, सुबह देखा था 11 बजे मैं 27 लाख रुपये चाहिए। फिर क्या हुआ इसके बाद? पुलिस में आपने शिकायत की? पुलिस में शिकायत की मरीगंज। फिर कौन से थाने में, कुछ जानकारी है आपको? जानकारी तो आज़ाद नगर की जानकारी लगी हमें। हाँ आज़ाद नगर। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, कोई सुनवाई नहीं करी आज तक भी। बच्चा का 7-8 महीना ही गया, कोई सुनवाई नहीं करी बच्चा का उनको। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।